लेसन्स फॉर इंडिया, जीएसटी पेज नंबर 6, जीएसटी आईआर की न्यूज है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन लिखना, व्हाट आर इटालियन मरीन केस, व्हाट इज इटालियन मरीन केस, व्हाट आर इटालियन मरीन केस, इटालियन मरीन मरीन केस अबाउट UNCLOS, 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 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ऑन द लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, कॉमा परमानेंट काउंट, परमानेंट काउंट ऑफ आर्बिट्रेशन, परमानेंट काउंट ऑफ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन, पीसीए, पीसीए, एंड इंडियाज लीगल एक्सपर्टीज, एंड इंडियाज लीगल एक्सपर्टीज, लीगल एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ, इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ, इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ। सो इस आर्टिकल को मेरे साथ साथ आप रीड करना, बिकॉज इस आर्टिकल को अगर आप रीड करोगे तो ये आर्टिकल हम पूरा रीड करेंगे आज, ठीक है, बिकॉज इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल टू बी रीड ऑन। मैं इसे रीड करते करते आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, तो इसे मेरे साथ साथ रीड करना, मैरिटाइम लॉ। सो द इटालियन मरीन केसेस केस मीट्स विद अ डिसअपॉइंटिंग एंड एज इंडिया लूज राइट्स टू ट्रायल, ठीक है, राइट्स टू ट्रायल। अब क्या है कि UNCLOS, दरअसल क्या है कि यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये देखा जा रहा है कि चाइना के अकॉर्डिंग ही ये सब काम कर रहे हैं, मतलब यूनाइटेड नेशन की जो जितनी भी पॉलिसी है, यूनाइटेड नेशन की क्या कहते हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब चाइना के वर्ड्स बोल रहे हैं, मतलब व्हाट चाइना इज सेइंग, दे आर सेइंग जस्ट द सेम, ठीक है। तो और UNCLOS ने क्या कहते हैं चाइना से कुछ बोला कि भाई क्या कहते हैं आपको ये नहीं करना चाहिए, बट स्टिल चाइना ने नहीं सुना, मतलब किसी चीज में अगर यूनाइटेड नेशन की कोई ऑर्गेनाइजेशन चाइना के लिए बोलती भी है तो चाइना उसकी सुनता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि भाई हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है या तो उनमें बढ़ना चाहिए या फिर वी शुड थिंक ऑफ सम अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, मतलब हमें अपनी पावर बढ़ानी चाहिए, हमारा इन्फ्लुएंस और ज्यादा बढ़ना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन पे ही डिपेंडेंट हो, वी वी कैन मेक ऑर्गेनाइजेशन विद अमेरिका, विद रशिया, विद ब्राजील, ठीक है, विद हुम वी आर हैविंग द गुड रिलेशंस, विद हुम वी आर हैविंग गुड रिलेशन, लाइक साउथ अफ्रीका एंड दीज आर द नेशन, इनके साथ हमारे काफी अच्छे रिलेशन चल रहे हैं। तो हमें क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बनानी ही पड़ेंगी या फिर क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन में अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। तो अपना इन्फ्लुएंस हम किसके थ्रू कर सकते हैं, इंडिया लीगल एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ, ठीक है, इस फील्ड में हम काफी अच्छे थे, बट स्टिल हमारा जो चाइना की वजह से राइट टू ट्रायल, ट्रायल मतलब जजमेंट करना, भाई जज ने बुलाया और क्या कहते हैं उनका ट्रायल करा कि भाई आपका ये केस है, इसके ऊपर क्या 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 चीज सुनानी है, ठीक है। तो इंडिया ने राइट टू ट्रायल खो दिया है, तो हमें अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा, राइट टू ट्रायल को वापस गेन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। द लॉन्ग क्वेस्ट फॉर जस्टिस फॉर टू केरला फिशरमैन शॉट डेड बाय इटालियन मरीन्स फ्रॉम द एनरिका लेग्जी अबाउट 20.5 नॉटिकल माइल्स ऑफ इंडिया कोस्ट इन फेब्रुअरी 2012, ठीक है। तो ये जो इटालियन मरीन मतलब इटालियन की जो मरीन थी, मरीन जो थे,
इन्होंने केरला के दो आदमी को शॉट डेड कर दिया था। तो इनमें से क्या हुआ कि एक ने, इंडिया ने इन दोनों को पकड़ लिया था, मतलब जो ये मरीन के ये थे, इटालियन मरीन्स जो थे दो, तो इन्होंने इंडिया के जो फिशरमैन थे उन्हें शॉट डेड कर दिया था। तो इंडिया ने इन्हें पकड़ लिया और पकड़ के भारत में रखा। 2 साल बाद क्या हुआ कि उसने अपनी वाइफ का बहाना, एक ने अपनी वाइफ का बहाना लिया और वो वापस इटली चला गया, ठीक है। और उसने अपनी वाइफ का बहाना लिया कि भाई मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसे उसके पास जाना है, मेरे को, मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्या कहते हैं, जैसे कोई क्रिमिनल है तो हम उसका एक्सट्रेडिशन करते हैं। व्हाट, एक वर्ड याद रखना, एक्सट्राडिशन, एक्सट्राडिशन, एक्सट्राडिशन करते हैं, ठीक है। एक्सट्राडिशन करते हैं तो क्या होता है कि हम उस नेशन से, मतलब जिस नेशन से वो बिलोंग करता है, हम उससे डिमांड करते हैं कि भाई आप उसे वापस भेज दीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने बहाना करके वो वापस पहुंचा इटली, और इटली में जाके उसने मना कर दिया आने से कि भाई मैं नहीं आ रहा। अब वो क्रिमिनल तो इंडिया का है, ठीक है, क्रिमिनल इंडिया का है। तो इटली ने क्या करा, इंडिया को रिफ्यूज कर दिया उसे देने से, ठीक है। क्योंकि हमें उसका एक्सट्रेडिशन करवाना था, बिकॉज वी वांट जस्टिस फॉर दोज फिशरमैन, ठीक है। तो उनमें से एक तो अभी भी भारत में है, बट एक धोखा देके भाग गया था। तो भारत को उसके उसके खिलाफ कहते हैं राइट टू ट्रायल लूज कर गया है, ठीक है। तो भारत को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा बेसिकली। इटली अब आजकल सपोर्ट में बोलता है पाकिस्तान के और क्या कहते हैं चाइना के, ठीक है। लेग्जी अबाउट 20.5 नॉटिकल माइल्स ऑफ इंडियाज कोस्ट इन फरवरी 2012। ये बहुत पुरानी न्यूज है, बहुत ही पुरानी, 2012 की ये न्यूज है। हैज एंडेड इन डिसअपॉइंटमेंट एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट हैज रूल्ड दैट इंडिया डज नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई द मरीन्स हु इट हेल्ड वर एंटाइटल्ड टू इम्यूनिटी एज दे वर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बेसिस पे वो काम कर रहे थे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट इज GS2 पॉलिटी, पुलिस वायलेंस एंड हाउ सम लाइव्स डू नॉट मैटर। अब तमिलनाडु की न्यूज थी, आप सभी को पता है कि भाई उन्होंने क्या कहते हैं जेल में दो कैदियों को बहुत बुरी तरह मारा पीटा। अब इन कैदियों को क्या कहते हैं, अगर हम ज्यूडिशरी के थ्रू क्या कहते हैं आजाद कर देंगे, और ज्यूडिशरी अगर अपना काम ढंग से नहीं करेगी तो क्या होगा कि भाई इन जैसे अपराधियों को, अगर कोई अपराधी होगा तो उनको हमें पीटना तो पड़ेगा ही भाई। अगर इसे ये क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव का ओवररीच हो जाता है। इफ ज्यूडिशरी डज नॉट वर्क प्रॉपरली देन एग्जीक्यूटिव ओवररीच होता है, और इसमें क्या क्या होता है, कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एक्सीडेंट्स कैसे, एक्सीडेंट का मतलब क्या है यहाँ पे कि क्या कहते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल कोई कभी कभार हम शक करते हैं कि भाई ये क्रिमिनल है, बट वो क्रिमिनल होता नहीं है, एंड द पुलिस पर्सन बिगिन टू बीट हिम ब्रूटली, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ब्रूटली हो गया था, ठीक है, यहाँ पे कुछ ज्यादा ब्रूटली हो गया था। बट इंडिया में इंक्रीजिंग क्राइम है, तो अब हर किसी को भी ये देखना पड़ेगा कि भाई मिस्टेक एक्चुअली में हो कहाँ पे रही है, कि भाई पुलिस वायलेंस में हो रही है, जुडिशरी में हो रही है। तो इस चीज का सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे हैं कि भाई अब पुलिस वायलेंस अगर हो रही है तो पुलिस वायलेंस क्यों हो रही है, व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई पुलिस इज बिकमिंग वायलेंट, बिकॉज द क्रिमिनल्स आर आल्सो बिकमिंग वायलेंट, ठीक है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो बट पुलिस आल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड कि क्या कहते हैं, पहले उसकी जांच पड़ताल ढंग से कर ले और तब उसके ऊपर चार्जेस लगाने की कोशिश करे। बट इफ जुडिशरी विल नॉट वर्क प्रॉपरली तो ऐसे इंसिडेंट होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी
कल ही जो आपने देखा, परसों ही आपने जो देखा कि भाई कानपुर में 8 पुलिस वाले मारे गए और कहते हैं 7 पुलिस वाले घायल हैं। तो इसमें क्या हुआ कि कहते हैं क्रिमिनल्स ने अपने ज्यूडिशरी का फायदा उठाया था कि भाई 2018 में जब जिस जिस आदमी के ऊपर 52 मुकदमे थे, 52 केसेस थे, उसे ज्यूडिशरी ने क्या कहते हैं बेल पे छोड़ दिया। मतलब आप ये देखिए, जिस इंसान के ऊपर 52 केसेस थे उसे ज्यूडिशरी, भाई पुलिस वालों ने पकड़ा होगा, ये तो बात है कि भाई क्राइम रिकॉर्ड होंगे उसके, और अलग अलग एक्टिविटीज करता होगा, मर्डर, अलग अलग किस्म के, तो बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व था, बट स्टिल बिकॉज ऑफ करप्ट ज्यूडिशरी ही वॉज लिविंग अ फ्री लाइफ एंड ही किल्ड 15 सॉरी ही किल्ड 8 पुलिसमैन। सो लाइफ ऑफ पुलिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड लाइफ हर किसी की मैटर करती है, खाली क्रिमिनल्स की नहीं, पुलिस वालों की भी मैटर करती है। तो हमें ये चीज समझनी होगी, जुडिशरी विल हैव टू वर्क प्रॉपरली एंड द करप्शन इन द जुडिशरी नीड टू बी डिक्रीज। सो और पुलिस वालों का जो वायलेंस है, टॉर्चर है, ये भी डिक्रीज होना चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है भाई, वायलेंस और वायलेंस वगैरह डिक्रीज हो। अगर जुडिशरी अपना काम ढंग से करना शुरू कर देगी तो पुलिस वायलेंस भी अपने आप ही डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखे हैं, जीएसटू पॉलिटी की ये न्यूज है, पॉलिटी, पुलिस वायलेंस एंड हाउ सम लाइव्स डू नॉट मैटर। सो क्वेश्चन इज नो अबाउट नीड फॉर एंटी टॉर्चर लेजिस्लेचर क्यों जरूरत है इसकी, ताकि क्या कहते हैं वायलेंस अगेंस्ट द कल्प्रिट, ठीक है, वायलेंस अगेंस्ट द कल्प्रिट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय द पुलिस पर्संस, लेजिस्लेशन टॉर्चर लेजिस एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन एंड डिबेट ऑन पुलिस रिफॉर्म्स एंड डिबेट ऑन पुलिस रिफॉर्म्स। तो हमें दोनों तरफ रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स। तो पुलिस रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स दोनों तरफ होंगे तो क्राइम कहते हैं कम होगा और करप्शन रिड्यूस होना चाहिए जुडिशरी में और कहते हैं पुलिस में भी, ठीक है। नेक्स्ट इज पेज नंबर 8। आज मेरा लैपटॉप मेरा दोस्त सही करके चला गया है तो इसलिए ठीक ठाक चल रहा है। पेज नंबर 8, GS3 एनवायरनमेंट, पेज नंबर 8। देखो ये है दोनों मरीन जो अभी इटली के बताए, ये दोनों मरीन है जिन्होंने दो फिशरमैन को जान से मार दिया था, तो ये कल्प्रेट है इंडिया के कल्प्रेट है। तो इन्हें एक एक भग गया है इनमें से और वो उसे उसका एक्सट्रेडिशन इटली भारत तो नहीं कर रहा। पेज नंबर 8, GS3 एनवायरनमेंट, ट्रैफिक 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 ऑन रोड्स एबटिंग नागर होल पार्क टू बी मेंशन टू बी मॉनिटर्ड, ठीक है, कहाँ पे है नागर होल, पेज नंबर 8, GS3 एनवायरमेंट एनवायरमेंट सबसे पहली चीज लिखना, नागर होल पार्क कहाँ पे है, ये कर्नाटक में, कर्नाटक कर्नाटका
और क्यों यहाँ की ये न्यूज़ क्यों है, कुछ ट्रक ड्राइवर्स ने पहले ही अपना रोक मतलब ट्रक्स को रोक दिया था और फिर क्या कहते हैं एलिफेंट की पैसेज को अलाउ करा था, तो ट्रैफिक ऑन रोड्स तो क्या कहते हैं इसलिए वहां पे क्या हुआ कि भाई ये चीज न्यूज में आई है कि भाई ट्रैफिक ऑन रोड्स एबटिंग नागरहोल पार्क टू बी मॉनिटर्ड। अब इसे मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, रोड एक्सीडेंट्स में जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ज्यादा मरती है, ठीक है, तो हमें इस इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई क्या कहते हैं जितने भी एलिफेंट्स हैं टाइगर हैं ये सब प्रोटेक्टेड रहें और ये रोड एक्सीडेंट्स में मारे ना जाए, तो इनकी क्या कहते हैं मॉनिटरिंग कैसे होगी, मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग की प्रोसेस लिख लीजिए, मॉनिटर्ड मॉनिटर्ड मॉनिटरिंग की प्रोसेस क्या होंगे कि स्पीड लिमिट हो और क्या कहते हैं स्पीड लिमिट हो और ओके आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, स्पीड लिमिट हो और क्या कहते हैं हैजिंग करनी चाहिए और ट्रक पैसेजेस होने चाहिए और ट्रक पैसेजेस होने चाहिए और इनकी ये पता मतलब कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी चाहिए कि भाई सिग्नल्स प्रोवाइड करवाए जाएं कि भाई आप यहाँ पे एलिफेंट जोन में आ चुके हो या फिर क्या कहते हैं जो जितने भी एलिफेंट्स हैं उनके उनकी क्या कहते हैं रूट्स चेक करने चाहिए कि भाई किस रूट से वो ट्रेवल कर रहे हैं और उनका मूवमेंट चेक करना चाहिए कि भाई कहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनका मूवमेंट मूवमेंट चेक करना चाहिए, मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स, तो कंटिन्यूअस ट्रैकिंग की जरूरत है और क्या कहते हैं उनकी हेडलाइट्स मतलब ट्रक्स ट्रक्स वगैरह जितनी भी है इनकी हेडलाइट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हेडलाइट्स क्यों, क्योंकि उनकी जो हेडलाइट्स होती हैं वो काफी डार्क होती हैं, मतलब काफी डार्क नहीं काफी हाई हाई बीम की होती हैं, तो जैसे ही उनकी हाई बीम जंगली जानवर पे पड़ती है तो द वाइल्ड एनिमल्स बिकम्स ब्लाइंड फुल्ली ब्लाइंड एंड ही बिकम्स स्टिल एट दैट प्लेस, मतलब वो उसी जगह पे बिल्कुल स्थिर हो जाता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है मेजर एक्सीडेंट्स अगर करते हैं तो उनकी लाइट्स की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनका वेट चेक होना चाहिए वेट कितना है और ट्रैकिंग ऑफ ट्रैक रूट्स चेक होने चाहिए एलिफेंट्स के, ट्रैक रूट्स की चेकिंग होनी चाहिए कि भाई किस ट्रैक रूट से वो जा रहे हैं, ठीक है, टाइम स्पेंड स्टेम्ड कार्ड सिस्टम फॉर व्हीकल्स पासिंग थ्रू, टाइम ये लास्ट पॉइंट जरूर लिखना, टाइम स्टेम्ड कार्ड सिस्टम टाइम स्टैम्प्ड कार्ड सिस्टम क्या होता है कि अगर हम क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल एक एक जगह से जस्ट इमेजिन इट इज जस्ट लाइक अ टोल प्लाजा कि भाई आपको टोल प्लाजा का क्या कहते हैं कार्ड मिला, एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा पे पहुंचने का टाइम स्पेंड दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको वहां जो आप रूट पे जा रहे हो जिस रूट पे जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल नगरहोल पार्क में आप एंटर कर गए, ठीक है, तो एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में अगर आपको 20 मिनट लग रही है तो वहीं पे ही टाइम स्पेंड बढ़ा दिया जाएगा कि भाई आपको इस पॉइंट से जब आप एंटर करोगे इस कार्ड के थ्रू जब आप इस पॉइंट पे एंटर करोगे और इस पॉइंट पे एंड करोगे तो आपका टाइम पीरियड 1 घंटे का होना चाहिए, 1 घंटे का होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट की रूट का टाइम पीरियड कर दिया 1 घंटा, तो इंसान अपने आप ही आराम आराम से चलेगा कि चलो यार पहुंच जाएंगे, ठीक है, पहुंच जाएंगे कुछ जगह वेट भी कर लेगा और काफी तो टाइम स्टैम्प्ड कार्ड मिलेंगे कि भाई आप इतने टाइम पीरियड में पहुंच जाए, ठीक है, इतने टाइम पीरियड में पहुंचे और उससे उससे पहले ना पहुंचे उससे बाद में ना पहुंचे ताकि ट्रैफिक ज्यादा ना हो और मैनेजमेंट अच्छा हो, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन हो जाएगा इससे एक तरीके से। नेक्स्ट इज पेज नंबर 9 GS2IR जापान अगेंस्ट यूनिलेटरल एक्शन, पेज नंबर 9 GS2IR
Japan against unilateral actions that changes status. इसके heading पढ़ लेना क्योंकि question same वही है. Japan against unilateral action that changes status quo along LAC. ठीक है. Japan opposes unilateral action that changes status quo along the line of actual control between India and China. Said Japanese ambassador Satoshi. ठीक है. Suzuki. Japanese ambassador Satoshi Suzuki in a discussion on Friday with Foreign Secretary Harshvardhan Shringla on the India-China standoff in Eastern Ladakh. He had a good talk with Foreign Secretary Shringla. ठीक है. तो जापान अगेंस्ट यूनिलेटरल एक्शन मतलब चाइना के यूनिलेटरल एक्शन के बोला है कि भाई आप कहते हैं ऐसा नहीं कर सकते, यूनिलेटरल एक्शन नहीं ले सकते. ठीक है. आप स्टेटस को मेंटेन नहीं करके चल रहे हो. तो ये इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के ऊपर हो गया. व्हाट लेटेस्ट अपडेट्स ऑन इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ. तो जापान ने भी इसके ऊपर क्वेश्चन अराइज करा है कि भाई आप स्टेटस को मेंटेन नहीं करके चल रहे. ठीक है. जापान इज अगेंस्ट इट. और आपको अभी लेटेस्ट न्यूज बताता हूँ. आज की ये न्यूज है, CNN IBN की ये न्यूज है. ठीक है. America has sent two warships in South China Sea very close to China. ठीक है. Very close to China और काफी सारे weapons के साथ भेजा है. तो एक तरीके से China is China के जो trade deficit भारत के साथ जो 100 billion का था, it reaches to देखो China के कुछ point लिखना छोटे छोटे. China के trade deficit 100 बिलियन से 44.2 बिलियन पहुंच गया है. 44.2 बिलियन पहुंच गया है. चाइना को अमेरिका की फ्लाइट, अमेरिका में फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है. ठीक है. अब चाइना का अपोज जापान भी कर रहा है. चाइना का अपोजिशन अपोज में जापान भी बोल रहा है. चाइना के अपोज में UNCLOS बोल रहा है. ठीक है. UNCLOS बोल रहा है. तो चाइना इज getting boundaried by all the nations. मतलब हर nation China के खिलाफ बोल रहा है. And every nation is talking about against China. Except some beggars, like just like Pakistan and Italy. They are saying China is good, China is performing good. And some of the United Nations, some of the countries of United Nations, छोटे छोटे से देश हैं ये. ग्रीस हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया. ठीक है. छोटे छोटे से देश है. पैसा इन्होंने अंधाधुंध कमा लिया कि ना वॉर लड़के और दूसरों को वेपन्स बेच के और इलीगल काम कर करके. तो दूसरों से दूसरों को लड़ा लड़ा के इन्होंने खुद तो अमीर बन गए. अब ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया इनके इशारों पर नाचे. बट ऐसा हो नहीं सकता. ठीक है. तो अब चाइना के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया तो चाइना ये सोचता है कि हम हर जगह पे हमारा ही वजूद चलेगा. मतलब चाहे पूरा हो या पश्चिम, चाइना ही सब जगह. तो ऐसा कोई भी नेशन अपनी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता. बिकॉज नेशनैलिटी कम्स फर्स्ट एंड ग्लोबलाइजेशन कम्स नेक्स्ट. पहले नेशनैलिटी आनी चाहिए और ग्लोबलाइजेशन उससे नेक्स्ट प्रोसेस होता है. ठीक है. अगर हमारी नेशनल आइडेंटिटी नहीं होगी तो हम क्या कहते हैं ग्लोबल आइडेंटिटी में विश्वास नहीं करेंगे. पेज नंबर 11, लास्ट न्यूज ऑफ द डे. पेज नंबर 11 GS2IR with economic measures, India seeks to turn tables on China. अब देखो हर जगह पे हम चाइना की ही ऐसी तैसी मारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं. ठीक है. तो आगे न्यूज कहाँ गई? Page number 11, GS2IR with economic measures. आज तो
एक न्यूज वो नहीं मिली, दूसरी न्यूज ये कहाँ पे है? इट इज नॉट हेयर। इंडी चीनी भोभो। देखो चाइना ने क्या बोला, इंडी चीनी भोभो, हिंदी चीनी भाई भाई, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो कितना तगड़ा एडवर्टाइजमेंट करा चाइना ने। अच्छा यूएस 53,000 न्यू केसेस। सो ये आपको मैं न्यूज बोल देता हूँ, पेज नंबर 11 की ये न्यूज थी, ठीक है? पेज नंबर 11, GS2IR, GS2IR इंटरनेशनल रिलेशंस विद इकोनॉमिक मेजर्स, विद इकोनॉमिक इकोनॉमिक मेजर्स, विद इकोनॉमिक मेजर्स इंडिया सीक्स टू टर्न टेबल्स ऑन चाइना। इंडिया सीक्स टू टर्न टेबल्स ऑन चाइना।